Welcome in my class. Today I am teaching you accountancy and chapter number 4. Today we are passing journal entry about bank transaction. Okay, bank transaction, two types of bank transaction. First one is cash transaction, second one is non-cash transaction. Okay, cash transaction, it means when we withdraw some amount from bank, first one. Second one, we deposited some amount in bank. Okay, these two types of transaction is called cash transaction through bank. Then second one is non-cash. Non-cash, it means when we deposited check, okay, then we payment through bank, then we take interest by check and bank charges, like this. These types of transaction are called non-cash transaction by bank. तो आज इन्हीं सारे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है आपके चैप्टर का, सम नंबर 8, उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. सिंपली आपको बता दूं कि सपोज अगर आप बैंक में कोई डिपॉजिट करते हो, ओके, बैंक में डिपॉजिट करते हो, इट मींस व्हाट, रिसीवर इज बैंक, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्लियर, ऐसे ही सिंपल ट्रांजेक्शन इस सम में है. ओके, सम में रीड करती हूँ, सम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे. नाउ ट्रांजेक्शन इज व्हाट, राइट, जर्नल एंट्री फॉर कृष्णा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2014 मार्च 1st, ₹20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक एंड ओपन बैंक अकाउंट. जब आप बैंक में जाते हो, अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तो आप क्या करते हो, सम अमाउंट डिपॉजिट करते हो. ओके, तो यहाँ भी हमने वही किया है, 20,000 डिपॉजिट किया बैंक में. सो बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट. ओके, बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, ऑलवेज रिसीवर अकाउंट डेबिट एंड गिवर अकाउंट क्रेडिट. सो हियर बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, कैश, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 20,000 एंड 20,000. क्लियर, बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, कैश, सो कैश अकाउंट क्रेडिट. क्लियर, राइट, हियर बीइंग बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटेड 20,000. क्लियर, नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, डेट 5th of March, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी व्हिच इमीडिएटली डिपॉजिटेड विथ बैंक. यहाँ पे क्या हो रहा है, हरी से हमने 5,000 का हमें चेक मिला है, वो चेक हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, अगेन बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड गिवर, हु इज गिवर, हरी. ओके, सो हरी अकाउंट क्रेडिट. क्लियर, 5,000. नाउ सेकंड थिंग फॉर दिस ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट, इट मींस व्हाट, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ. ठीक है, और इंक्रीज किसके कारण हुआ, हरी के कारण, सो हरी इज अ गिवर, सो क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट. क्लियर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000, आउट ऑफ विच चेक रिसीव फॉर हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विद बैंक. कितने का हमने सोल्ड किया है, 14,000 का, बट रूपाली, ओके, शी इज अ कस्टमर, उसने क्या किया है, हाफ अमाउंट का चेक दिया, और हाफ अमाउंट क्या है हमारा, क्रेडिट हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो हियर व्हाट कम्स इन चेक, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड रूपाली इज अवर डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 14,000. अगेन कितने का सोल्ड किया था हमने, 14,000 का सोल्ड किया. अगर हाँ टोटली अगर उसने चेक दे दिया होता, तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास हम क्या रिसीव कर रहे हैं, चेक. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट यहाँ पे हाफ अमाउंट ही हम चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, और हाफ अमाउंट हमारा कैसा हुआ है, क्रेडिट पे सोल्ड, सो कस्टमर अकाउंट डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000 एंड टू सेल्स अकाउंट 14,000. क्लियर, राइट, हियर राइट डाउन हियर बीइंग सोल्ड रुपीज 14,000, ओके, एंड चेक रिसीव अमाउंट रुपीज 7,000 एंड हाफ अमाउंट
consider as a credit. Clear? Now next is the 12th of March, goods of rupees 10,000 purchased from Deep Kala and paid half amount by check. देखो same transaction है, ये दोनों same transaction है, but in this transaction sales amount, sales transaction, but in this transaction this is purchase transaction. Okay, so purchase, what comes in? Goods. So purchase account debit amount 10,000 and what goes out? Check. But check कितने का pay कर रहे हो? Half amount का. So half amount it means 5,000 and half amount, see this is a creditor, so creditor account credit 5,000. यहाँ पे हमने क्या किया था? Customer account it means debtors account debit and creditor accounts always credit because हमें इसको क्या करना है? Pay करना है, ठीक है? वो future में हमारा कौन है? Receive करने वाला person. So purchase account debit 10,000, half amount bank account credit to Deepak account credit. Same, अगर इसी transaction में purchase हमने किया और total amount हमने pay कर दिया अगर by check, तो यहाँ पे हम क्या transaction करते? Purchase account debit to bank account credit, ठीक है? But half amount कर रहे इसलिए half amount supplier account credited. Clear? Next transaction, rupees 400 withdraw from bank for personal expense and 800 for office expense. देखो यहाँ पे personal expense आया, it means drawing account. Last जो हमने lecture में complete किया था according to this drawing account debit, अपने कितना अपने personal use के लिए withdraw किया है? 400. और बाकी office use के लिए जो भी हम withdraw करते हैं, cash withdraw किया, so cash account debit, क्योंकि business में what comes in? Cash आ रहा है, इसलिए cash account debit to bank account. कहाँ से withdraw किया है? Bank से withdraw किया है. Okay, so giver is a bank, so bank account credit 1200. Clear? यहाँ पे अगर आपने office के लिए use नहीं किया होता तो क्या entry आती? Drawing account debit to bank account credit. Clear? Now next transaction, 20th March, bank has approved overdraft of 25,000. देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या है, बैंक ने सिर्फ आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अप्रूवल दिया है. यहाँ पे हमारा मॉनिटरी इट मीन्स मनी से कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मनी से हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, सो दिस ट्रांजेक्शन इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसलिए इसकी एंट्री हम पास ऑन नहीं करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 250. बैंक ने हमारे अकाउंट में 250 इंटरेस्ट अमाउंट हमारे क्या किया, उसने क्रेडिट किया. ओके, सो दिस इज अवर इनकम, सो हमने बैंक ने डिपॉजिट किए, सो बैंक अकाउंट डेबिट. व्हाट कम्स इन? हमारे पास अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट. ओके, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, सो व्हाट इज द इनकम? इंटरेस्ट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 250. नाउ नेक्स्ट, डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ 100. बैंक ने क्या किया है? बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट में डेबिट किया है. ओके, डेबिट इट मींस अवर एक्सपेंस, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट बिकॉज दिस इज एक्सपेंस, ऑलवेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट. सो बैंक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट. ओके, रिसीवर इज अ बैंक, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट 100. क्लियर? Now, complete this type of transaction. जब भी हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, दो टाइप से करते हैं. फर्स्ट वन इज कैश एंड सेकेंड वन इज नॉन कैश. कैश में जब हम विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं. ओके, मतलब कैश के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. और जब भी बिना कैश, इट मीन्स अगर किसी पार्टी ने हमारे नाम पे चेक इश्यू किया है तो हम चेक डिपॉजिट करेंगे. देन बैंक ने जैसे यहाँ पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, चार्ज हमारे नाम पे लगा दिया, चार्ज इट मीन्स अवर एक्सपेंस. तो इस टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड बैंक ट्रांजेक्शन. क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिंग डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग लेक्चर लेंगे. ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे.